हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए एक और नई भर्ती है वो निकल के आई है, यह है आरएफसीएल की। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है आज हम देखेंगे फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आईटीआई की कुछ एक ट्रेड को ही मौका दिया गया है, तो आप जो है इसका फुल नोटिफिकेशन जो है वो पढ़कर उसके बाद ही अप्लाई करें। तो जो इसका पीडीएफ नोटिफिकेशन है उसके लिए मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जहाँ से कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के उस पीडीएफ को प्राप्त करके वहाँ से रीड आउट कर ले। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि जो फॉर्म है वो किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए इसकी मेन डेस्कटॉप साइट पे। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, जहाँ से कि आप डायरेक्ट इसी साइट पे आ जाएंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, एक यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का और एक यहाँ पे लॉगिन का। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे फ्रेंड्स आपको आपकी डिटेल्स देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पोस्ट को सेलेक्ट कर लेना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे फ्रेंड्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन और इंस्ट्रूमेंटल को ही मौका दिया गया है, तो आप जिस भी ट्रेड से हैं वो अप्लाई करें। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपनी जो ट्रेड है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको आपका जो नेम है फुल नेम वो टाइप कर देना है। यहाँ पे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो टाइप कर देनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी है वो एड्रेस फिल कर देना है, री एंटर कर देनी है वही ईमेल आईडी। एक यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आपने जो इसकी गाइडलाइंस है वो पढ़ ली है, तो यहाँ पे ऑप्शन यस करे या नो करे। अगर गाइडलाइंस नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके वो गाइडलाइंस पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपने जो फोन नंबर और ईमेल आईडी जो डाला है उस पे एक ओटीपी जाएगा। जैसे फ्रेंड्स आप ईमेल आईडी फोन नंबर में ओटीपी जो आए हैं वो डाल के वेरीफाई कर दोगे, उसके बाद नया पॉपअप खुल जाएगा जहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोसेस टू लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपने जो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाले वो डाल के आपकी जो पोस्ट है वो सेलेक्ट करके यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन करोगे आप नया डेस्कटॉप साइट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको फिल एप्लीकेशन जो डिटेल्स है उसकी यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ फर्स्ट ऑप्शन क्लिक हियर टू फिल पर्सनल डिटेल्स, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपकी जो है पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा कि आपके नेम के आगे क्या लगाते हैं, मिस्टर एंड मिसेज जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा उसके सेंटर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे दो सेंटर है वो सेलेक्ट करना है, तो आप आपके नियरेस्ट जो भी सेंटर है उसको यहाँ सेलेक्ट करें। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको आपका जो फादर नेम है यो मिस्टर या डॉक्टर जो लगाते हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपके फादर नेम जो है वो टाइप कर देना है। यहाँ उसके आगे आपको आपका जो मदर नेम है वो मिस्टर लगाती है डॉक्टर लगाती है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपकी जो मदर का नेम है वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो आपका स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। यहाँ पे आपका जेंडर है वो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नीचे आपका एड्रेस है वो फिल कर लेना है। फ्रेंड्स अगर यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और पर्सनल जो परमानेंट जो एड्रेस है वो दोनों सेम है तो यहाँ नीचे चेकबॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपके दोनों एड्रेस वो है ऑटोमेटिक सेम तरीके से फिल हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आ जाना है। यहाँ फ्रेंड्स अगर आप कश्मीर के निवासी हैं तो यहाँ पे यस करें, अदरवाइज यहाँ नो ऑप्शन पे क्लिक कर दे। उसके बाद यहाँ आपको आपकी कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लेनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। नीचे अगर आप पीडब्ल्यूडी से हो तो यहाँ पे यस करें, अदरवाइज नो कर दे। यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस दे देना है, मैरिड है अनमैरिड है। उसके साइड में यहाँ पे आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, इंडिया से बिलोंग करते हो या कहीं अदर कंट्री से। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पे यस करें, अदरवाइज नो कर दे। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यस करके उसकी डिटेल्स दे सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे नो करके आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे आरएफसीएल के अंदर आप एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे यस करके उसकी डिटेल दे दें, अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो कर दें। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे आपके कोई रिलेटिव जो है वो आरएफसीएल के अंदर है तो उसकी डिटेल्स आप दे सकते हो, अदरवाइज यहाँ नो करके और सेव पर्सनल पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ फ्रेंड्स पर्सनल डिटेल्स देने के बाद में यहाँ पे आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स देनी है, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सेलेक्ट कर लेना है कि किस क्वालिफिकेशन की आप डिटेल्स देने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको 10th सेलेक्ट कर लेनी है और एड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू है, तो भाई आप यहाँ पे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो ऐड कर सकते हैं। उसके हमारे यहाँ पे राजस्थान के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चलती है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, तो 10th के अंदर ऑल जनरल सब्जेक्ट चलती है। उसके बाद में कभी यहाँ पे आपने 10th स्टार्ट की थी वो मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना, कभी यहाँ पे आपकी जो 10th खत्म हुई थी वो मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपकी जो 10th है वो कितने साल की है तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पासिंग कब की है उसके जो यहाँ पे है मंथ और ईयर वो है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो आपकी 10th में लगती है उसको नेम यहाँ पे ऐड कर देना है आपको, किस स्कूल से आप पास आउट हो उसका नेम यहाँ पे आपको ऐड कर देना है।
यहाँ पे मार्क स्क्रीन यानी आपका जो 10th के अंदर मार्क्स है वो मार्किंग ग्रेडिंग में होती है, सीजीपीएस में होती है, सीजीपीए के अंदर होती है। तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कितने यहाँ पे मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कितने में से आपने ऑब्टेन किए, वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। टोटल परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड हो, थर्ड डिवीजन हो। यहाँ पे यहाँ डिलीवरी मोड सेलेक्ट कर लेना है, आपने फुल टाइम किए, पार्ट टाइम किए, जो भी है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ 10th की आप क्वालिफिकेशन ऐड कर दोगे, उसके बाद में वापस उसी ऑप्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको आईटीआई या 10th की जो 12th की डिटेल्स देना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे आईटीआई सेलेक्ट कर लेंगे हम। आईटीआई के अंदर यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आईटीआई सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद में किस जो है आपके सब्जेक्ट क्या है, इलेक्ट्रिशियन, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। कब यहाँ पे आपने स्टार्ट की थी आईटीआई, वो डेट और मंथ ईयर जो है, मंथ और ईयर यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद में कब यहाँ पे आपकी जो आईटीआई खत्म हुई थी उसका मंथ और ईयर यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। कितने साल की आईटीआई थी वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जो आपकी एग्जाम है वो कब हुई थी वो यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का आपको नेम ऐड कर देना है, किस इंस्टीट्यूट से आपने पास आउट किया है वो यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पे मार्क्स जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कितने नंबर आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ डाल देना है, कितने में से किए हैं वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। यहाँ पे आपको डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो। उसके बाद में यहाँ पे डिलीवरी मोड सेलेक्ट कर लेना है, फुल टाइम किया है वो। उसके बाद में यहाँ पे सेव क्वालिफिकेशन पे जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप और कोई क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड क्वालिफिकेशन पे यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना। जैसे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने होगी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस जो अगर आपके पास है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हो एड एक्सपीरियंस पे करके, अदरवाइज यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप्स पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एडिशनल ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आप कितने दिन के अंदर वहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे उसके यहाँ पे डेट मेंशन कर देने की आप 15 दिन में ज्वाइन कर सकते हो, 20 दिन में ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे अदर कोई करिकुलम एक्टिविटीज है तो यहाँ पे वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे मदर टंग आपकी क्या है वो ऐड कर देना। यहाँ पे आप कौन सी लैंग्वेज है जो बोल सकते हो वो आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है। कौन सी लैंग्वेज जो है आप लिख सकते हो वो भी यहाँ पे ऐड कर देना है। रीड कौन सी लैंग्वेज कर सकते हो वो यहाँ पे आपको ऐड कर देनी है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कोई पेनल्टी पनिशमेंट मिली है एप्लीकेंट तो यहाँ पे यस करे, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दे। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ नीचे आ जाना है, नीचे आपको यहाँ पे नो कर देना है। यहाँ पे आपको नीचे चेकबॉक्स दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप सेव करोगे उसके बाद में नए डेस्कटॉप पे आ जाओगे जहां पर आपको आपकी फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। तो फ्रेंड्स फोटो और सिग्नेचर है उसकी यहाँ पे साइज दे रखी है, तो इसी साइज के अकॉर्डिंग आप अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप अपनी फोटो सिग्नेचर डाल के सेव करोगे उसके बाद नए डेस्कटॉप पे आ जाओगे जहां पर आपको आपकी जो पर्सनल डिटेल्स जो कि आपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स दी है उसकी यहाँ पे जो फोटोज जो है वो यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना है। फ्रेंड्स ये जो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करें वो पीडीएफ फॉर्म में ही हो। तो यहाँ पे आपको 10th की है वो सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। उसके बाद में आईटीआई की जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करना है। आईटीआई की मार्कशीट आपको अपलोड कर देनी है। नीचे आपको यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट वो अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट फ्रेंड्स आपका सेंट्रल का हो, स्टेट का यहाँ पे नहीं चलेगा। उसके बाद में यहाँ पे सेव प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव करोगे फ्रेंड्स आपको आप नेक्स्ट पॉपअप खुल के आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप रीड आउट कर ले, अगर कोई मिस्टेक है तो यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दे, अदरवाइज यहाँ प्रोसीड टू सबमिट पे क्लिक कर दे। फ्रेंड्स यहाँ जैसे ही आप प्रोसीड टू सबमिट पे क्लिक करोगे आपके पास नया पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपको पेमेंट जो है वो करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप कैटेगरी एससी एसटी से हो या ईडब्ल्यू एस से हो, जिस भी कैटेगरी से हो उसके जो पेमेंट होगा तो उसको यहाँ पे आपको पे करना होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे यस करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे फ्रेंड्स अगर आप एस सी एस टी से होंगे तो आपका कोई पेमेंट नहीं लगेगा, अदरवाइज आपका कोई पेमेंट बनता है तो वो आप अपने कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पैसे जो है वो कटा सकते। और उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा पूरा। यहाँ नीचे जैसे आप आओगे यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप यहाँ से अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।